हाँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करके इस कार को बनाने वाला हूं। तो देखते हैं इसको बनाते कैसे है। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वॉचिंग एजुकेटिंग वर्ल्ड। तो ब्लूटूथ आरसी कंट्रोल कार बनाने के लिए हम लोग को चाहिए आर्डुइनो यूएनओ SC05 का ब्लूटूथ मॉड्यूल और L298 का मोटर ड्राइवर और बीओ मोटर, चार पीस बीओ मोटर चाहिए और उसका चार पीस व्हील चाहिए और हम लोग को बैटरी चाहिए। बैटरी मैं यहाँ पे लिपो बैटरी यूज कर रहा हूँ जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आप यहाँ पे 9 वोल्ट का जो बैटरी आता है ₹15 वाला, वो आप यूज कर सकते हैं। और हम लोग को कनेक्शन करने के लिए जम्पर वायर चाहिए, जम्पर वायर मेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल। ओके, जितने मटेरियल मैंने बताई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप अमेजोन से जाकर के परचेस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एक चाहिए आर्डुइनो आईडी, जिससे हम लोग प्रोग्राम को अपलोड करेंगे आर्डुइनो यूएनओ में। ओके, तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो फ्री अवेलेबल है मार्केट में, मतलब आपको नेट में आराम से इजिली मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप जाके देख सकते हो कैसे आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ओके, और आपको जो कोड अपलोड करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और सर्किट डायग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड लेट्स गो, अब स्टार्ट करते हैं। इस कार को बनाने के लिए हम लोग पहले आर्डुइनो और मोटर ड्राइवर को फिक्स कर लेते हैं डबल साइडेड टेप से। अब हम लोग मोटर को मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर लेते हैं। यहां कनेक्ट कर लेंगे। जो पैरेलली हम लोग दो मोटर को कनेक्ट किए हैं उसके दोनों वायर जो एक साथ है वो दोनों को कनेक्ट करना है। ओके, अब मोटर को हम लोग मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर लिए। ये मोटर ड्राइवर के यहाँ जो 4 पिन है उसमें हम लोग जम्पर वायर से कनेक्ट करेंगे और मोटर ड्राइवर से आर्डुइनो में मेल फीमेल जम्पर वायर से उसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये मोटर ड्राइवर से मैंने जम्पर वायर को कनेक्ट कर लिया है, अब इससे आर्डुइनो को कनेक्ट करेंगे। ये वाला IN1 है, ये वाला IN2 है, ये वाला IN3 है और ये वाला IN4 है। तो ये जो IN1 है इसको हम आर्डुइनो के पिन नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे। ओके, और जो ये IN2 है उसको हम लोग आर्डुइनो के पिन नंबर 6 से कनेक्ट करेंगे। और IN3 को पिन नंबर 10 से कनेक्ट करेंगे। और IN4 है उसको हम लोग आर्डुइनो को पिन नंबर 11 से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हम लोग कनेक्ट कर लिए आर्डुइनो को मोटर ड्राइवर से। अब हम लोग ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ को हम लोग आर्डुइनो से कनेक्ट करेंगे। तो ब्लूटूथ जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो ये 4 पिन में हम लोग कनेक्ट करेंगे और ये जो लास्ट के 2 पिन है उसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर कार बनाने के लिए। ओके, तो हम लोग इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं।
तो इसमें हम लोग जम्पर वायर मेल टू फीमेल कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग ब्लूटूथ को ऑर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। ये जो इसका टीएक्स और आरएक्स है, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का टीएक्स है वो ऑर्डिनो के आरएक्स में कनेक्ट होगा, और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का आरएक्स है वो ऑर्डिनो के टीएक्स में कनेक्ट होगा। तो ये इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। आरएक्स को 1 में कनेक्ट कर देते हैं टीएक्स से, और टीएक्स को ब्लूटूथ के टीएक्स को 0 में कनेक्ट कर देते हैं आरएक्स से। ओके, और ये हम लोग का एक ग्राउंड है और एक 5 वोल्ट है। तो ऑर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे ब्लैक वाला, और एक ऑर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, एक मैंने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया और एक 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। ओके, ये मेरा ब्लूटूथ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल, ऑर्डिनो और मोटर ड्राइवर को पावर सप्लाई देने के लिए कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 2 मेल टू मेल जम्पर वायर यूज करेंगे, जिससे हम लोग ऑर्डिनो से मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग मोटर ड्राइवर में ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, जिससे ऑर्डिनो कनेक्ट करेंगे वो पावर सप्लाई ऑर्डिनो में चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये 12 वोल्ट का पिन है, ये ग्राउंड का पिन है, और ये 5 वोल्ट का पिन है। तो ऑर्डिनो को 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 5 वोल्ट डायरेक्ट ऑर्डिनो में कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड ऑर्डिनो में कनेक्ट करेंगे, और ये 12 वोल्ट और ग्राउंड ये बैटरी में चला जाएगा। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं ऑर्डिनो से। ऑर्डिनो के वी इन में कनेक्ट करेंगे एक वायर, और एक ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो वी इन वाला वायर है उसको यहां 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। और ये ग्राउंड वाला वायर है वो मोटर ड्राइवर की, ये मिडिल वायर से, मिडिल वाला ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये मैं एक वायर और ये वाला जो वायर है, एक वायर ये एक पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और एक ये दोनों ग्राउंड में कनेक्ट होगा, ये डायरेक्ट बैटरी में कनेक्शन चला जाएगा। तो ये दोनों मैं एक साथ ही कनेक्ट कर देता हूं, इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे हम। ये दोनों वायर को और ये वायर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे मोटर ड्राइवर के। फिर हम लोग का कनेक्शन पूरा हो गया। ओके, अब हम लोग पावर सप्लाई के लिए इसमें बैटरी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिपो बैटरी यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे 9 वोल्ट का भी बैटरी यूज कर सकते हैं। तो 9 वोल्ट का बैटरी मेरे पास नहीं है और ये वाला डिस्चार्ज बैटरी है, तो मैं यहाँ पे लिपो बैटरी यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे 9 वोल्ट का भी बैटरी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिपो बैटरी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसको डबल साइडेड टेप से यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। और ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी
डबल साइडेड टेप से एक जगह फिक्स कर लेते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑन करके देखते हैं और चला करके देखते हैं। इसको चलाने के लिए हम लोग पहले इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसको पहले हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं आर्डिनो आईडी से। अब हम लोग लैपटॉप को आर्डिनो से लैपटॉप को कॉर्ड से आर्डिनो कनेक्ट करेंगे और इसमें प्रोग्राम करेंगे। तो इसको प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। प्रोग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम करने समय हम लोग को ध्यान रखना है ये TX और RX पिन है जो हम लोग ज्वाइन किए हैं, उसको निकाल के प्रोग्राम करना है, क्योंकि उसके बिना अगर हम लोग TX RX पिन को मतलब लगाए रखेंगे तो प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। तो हम लोग प्रोग्राम अपलोड करते हैं। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और अब प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। तो अपलोड हो चुका है प्रोग्राम। ओके, अब हम लोग कॉर्ड को निकाल देंगे। और TX RX जो पिन है जो हम लोग निकाले थे उसको फिर से वैसे ही लगा देंगे। ओके, पावर सप्लाई देकर के इसको स्टार्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम लोग ब्लैक और ग्रीन वायर को। ये हम लोग कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ का है वो ब्लिंक कर रहा है। ये जब ब्लूटूथ जब मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा तब ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसको ये फिर ब्लिंक करना बंद कर देगा। ओके, तो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ आरसी का ये कार को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक ऐप प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे ब्लूटूथ आरसी सर्च करेंगे। ये हम यहाँ पे ऑर्डिनो ब्लूटूथ आरसी कार आ गया, तो ये इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग बैक जाएंगे, फिर हम लोग अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने कार में पावर सप्लाई दे देंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे HC05 हम मेरा जो ब्लूटूथ जो कार में लगा हुआ वो HC05 है। तो यहाँ से इसको पेयर कर लेंगे। इसका जो पासवर्ड होगा वो ये 1234 होगा। इसको टाइप कर लेते हैं 1234, इसको पेयर कर लेंगे। तो ये हमारा पेयर्ड हो गया है। उसके बाद हम लोग बैक जाएंगे, उसके बाद वो ऐप ओपन करेंगे। उसके बाद इस ऐप में यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद कनेक्ट टू कार में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेयर डिवाइस में यहाँ पे HC05 है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे HC05 कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का आ गया है, तो मतलब हम लोग कार कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम लोग कार चलाएंगे। उसके बाद हम लोग कार चला के देखते हैं एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कार चल रहा है। ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है, ये लेफ्ट राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साइंस फैक्ट या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।